राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे। आज उद्घाटन है यमुना यात्रा के कार्यालय का। वहां सबको जाना है। हमने सुना था कि आज सत्संग नहीं होगा क्योंकि सबको जाना है। लेकिन फिर भी सुना कि सत्संग हो रहा है तो चले आए। थोड़ी देर बोलेंगे फिर सबको जाने की तैयारी करनी है। वक्ता और श्रोता का ऐसा विचित्र समाज है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं। ऐसा लगता है कि काक भुशुंडी जी की सखा हो सभा हो रही है। काक भुशुंडी जी की जब सभा होती है तो उसमें तमाम पंखी चिड़िया ये सब आ जाते हैं। तोता मैना ये सब बैठते हैं और काक भुशुंडी जी वहाँ भाषण देते हैं, राम कथा सुनाते हैं। कौवा वक्ता है और तोता मैना जी चील कौवा ये सब श्रोता है। तो वैसे ही दृश्य यहाँ है। बोलने वाले भी ऐसे ही हैं और सुनने वाले भी अधिकतर ऐसे ही हैं। और इससे भी अच्छा एक छोटा सा प्रसंग सुना दें कि एक बार ऊंटों का ब्याह हुआ तो ऊंटों के ब्याह में ऊंट इकट्ठे भए, बारात चली। अब ऊंटों ने विचार किया भाई बारात में गवैया चाहिए, अच्छे अच्छे गाने वाले बजाने वाले चाहिए, तो गवैया कौन सा लाया जाए। तो ऊंटों की पंचायत में तो ही सबसे बड़ी आवाज है गधे की। गधा बोलता है तो कई मीलों तक आवाज आती, होंचक होंचक होंचक। तो लोगों ने कहा गधा से ज्यादा ऊंचा गवैया कोई नहीं है। तो गधा को बुलाया गया। गधाराम जी आए, ऊंट लोग बुलाने गए। बोले गधाराम जी हाँ आपको बारात में चलना है। बोले हाँ बारात में तो सभी तैयार हैं, आपको गीत गाना पड़े। बोले और जोर से गाएंगे। अब वो देखो ये कथा सब समझ रहे हैं, गोरंगी समझ रही है तो सब समझ रहे हैं जितने श्रोता बैठे हैं ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि सब श्रोता हंस रहे हैं। तो बारात चली, जो ऊंट राम थे वो दूल्हा बने थे और उनके साथ तमाम ऊंट पीछे पीछे चल पड़े। और सबसे आगे वो बारात के आगे गवैया चलते हैं, गधाराम जी चले। और जब वहां बारात पहुंच गई दरवाजे पर तो इशारा किया ऊंटों ने कि अब गधाराम जी तुम शुरू करो गाना अपना। तो गधाराम जी ने शुरू किया, बड़े जोर से आवाज लगाई, होंचक होंचक होंचक।
और उस गीत को सुनकर के सब हंसने लग गए। तो गधाराम जी ने सोचा क्या कोई सुर गड़बड़ हो रहा है, कोई हम बेसरा गा रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं। तो ऊंट राम जी सोच रहे हैं कि क्या हमारी दूल्हे की शक्ल अच्छी नहीं है, ये ससुराल वाले हंस रहे हैं। तो प्रश्न किया ऊंट राम ने गधों से कि भाई हम जच रहे हैं कि नहीं दूल्हे के रूप में। बोले क्यों ये सब हंस रहे हैं। तो गधाराम जी बोले कि एक बात बताओ, तुम तो अच्छे हो जच रहे हो, ये हंस रहे हैं ऐसा तो नहीं हमारा कोई सुर गड़बड़ हो गया हमारा गाना कैसा है। तो वो ऊंट लोग बोले अरे कमाल है, सबको दाब दिया तुम्हारी आवाज ने, तुम्हारा जैसा सुर किसी का नहीं है। उष्ट्राणाम विवाहे पी गीतम गायन्ति गर्दभा, ऊंटों के व्याम में गधाओं ने गीत गाया और परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। गधा बोले ओहो ऐसा रूप तो कहीं आज तक नहीं देखा, ऐसा दूल्हा नहीं देखा आज तक जितने तुम सच जच रहे हो। ऊंट बोले भैया ऐसा गवैया आज तक कोई नहीं हुआ जैसा तुम लोग गा रहे हो। वो कहें अहो रूपम, कहें अहो ध्वनि। तो इसलिए भाई वही बात है, हम भाषण कर रहे हैं अब तुम लोग सुन रहे हो। इस मान मंदिर में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। ऐसा चमत्कार संसार में नहीं है, चाहे जितने बड़े बड़े आश्रम हैं कुछ हैं, कुछ बता देते हैं चमत्कार, बाकी तो वहां बताएंगे उद्घाटन में। किसी समय यहां 50-50, 60-60 साधु रहते थे। और हम कहते थे भाई भिक्षा मांगो तो तू तू मैं होती थी। एक वो समय था। किसी समय में हम कहते थे संतों से कि तुम लोग कीर्तन करते भाई भिक्षा मांगो, भगवान नाम दान दो। तो कुछ संत चले गए नाराज होकर के, यहां शासन किया जाता है। किसी समय इतना बड़ा मंदिर है, बुहारी नहीं लगती थी, तो संतों से कहा गया भाई कम से कम नीचे बुहारी तो लगा लिया करो। तो सब ने कहा हमारा भजन का समय है, हम कैसे करेंगे। उनको अच्छा नहीं लगा और इसलिए चले गए। किसी समय जब लड़कियों का नृत्य शुरू हुआ था तो लोगों ने, ये तो बहुत दिन तक चला विरोध, बहुत से विरक्त आते थे मान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते थे कि स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वहां नाचती थी स्त्रियां रसकुंज में।
किसी समय यात्रा में जब आगे लड़कियां नाचने लग गईं हमारे कहने से, और वीर बाबा थे, अब तो नहीं है बेचारे, वो माला ले जाकर के दिया करते थे लड़कियों को, हम देते थे मालाएं और वो माला लड़कियों को पहनाते थे। तो इसकी बड़ी निंदा होती थी, और आज वो समय है कि इतनी मधुकरी आती है कि हम भी खाते हैं, ब्रजराज भी खाते हैं। इसके आगे जो रोटियां नीचे से आती थी बंद करके बंद हो गई, इतनी मधुकरी आती है, सैकड़ों साधु रहते हैं। ये हम आज विचार कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण केवल प्रभु की कृपा है। न हम वही हैं 60 साल से रह रहे हैं, और जितना हमने सोचा था कुछ उल्टा होता था उसके। किसी समय यहाँ बुहारी भी नहीं लगती थी, आपस में सबका भजन का सेम समय होता था। बोले हम तो भजन का टाइम है, हम समय बुहारी नहीं लगा सकते। और आज वो समय है कि संत लोग ही सब तिरपाल झाड़ते हैं, दरी यात्रा की, सारी यात्रा के 15-15 दिन लग जाते हैं, बिना कहे करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहते हों, हमने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। किसी समय कीर्तन करने के लिए कोई नहीं जाता था, आज वो समय है कि छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में परिक्रमा लगाते हैं और अंधेरे में परिक्रमा करते हैं। ये ऐसा कैसे हुआ? ये हमारे भी समझ में नहीं आता है। किसी समय रस मंदिर में जब रोटियां बनती थी जमाने में, तो मुश्किल हो जाती थी। और कल हमको इन्होंने वीडियो लाकर दिखाया, मैं तो कहीं आता नहीं जाता नहीं, संजीव ने, कि छोटी छोटी लड़कियां रोटी बना रही हैं, ये भी बना रही थी गौरंगी 5-6 साल की, ऐसे तमाम लड़कियां बैठी थी रोटी बना रही थी। तो हमको देख करके आश्चर्य हुआ। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ? किसी समय मधुकरी में झगड़ा होता था, तुम जाओ तुम जाओ, और आज इतनी मधुकरी आती है कि कितने भी संत आ जाओ, हमें तो पता भी नहीं, न हम किसी से जानते हैं न कहते हैं। किसी समय मधुकरी में कोई बाहर का आदमी चला जाता था तो झगड़ा होता था, हरनाम दास आ गए थे, वो जिस दिन चले गए थे मधुकरी में तो कुछ संत बिगड़ गए, क्यों आ गया गृहस्थी यहां से। और आज हम तो जानते नहीं, सुनते रहते हैं, हैं? अच्छा, अब सुनते हैं कि शुक्ला जी साइकिल पर जाते हैं ऊंचे गांव,
कृष्णदास साइकिल बजाते हैं डभारा, और इतनी भिक्षा लाते हैं, न कोई लड़ने वाला रहा न झगड़ने वाला रहा कि गृहस्थी हैं इनका अधिकार क्या है, ऐसा प्रेम है। इसी मान मंदिर में किसी समय साधु लोग पीटे गए, मारपीट होती थी, और आज एकदम प्रेम में वातावरण, हर साधु हर काम कर रहा है। ये सब केवल प्रभु की कृपा से हुआ, इसलिए हम बता रहे हैं। किसी समय यमुना यात्रा फेल हो गई थी और वो ऐसी फेल भई कि कलंक बन गई। कुछ लोग कहने लग गए पैसा खा गया ये लोगों। अभी 10-12 दिन पहले एक ब्रजवासी नंदगांव के आए थे, बोले बाबा सब जगह बात फैल रही है कि तू पैसा खा गया, करोड़ों रुपए कांग्रेस ने दिया और तुमने खा लिया। हम सुनते रहे और अब फिर यमुना यात्रा शुरू हो रही है, उसका उद्घाटन है आज। इसलिए प्रभु क्या करते हैं कोई जीव नहीं समझ सकता। हम ये कभी नहीं समझ सकते थे कि लड़कियां आती हैं यश का एक केंद्र बन जाएंगी। किसी समय जब लड़कियां कोई आती थी हमारे कमरे में तो ये राधाकांत हैं घबरा के आते थे, बोले हटाइए इनको यहां से कमरे से, हित के कारण से विरोध करते थे। और एक वो समय है कि खुद लेके जाते हैं प्रचार में, ये लड़कियां यश का एक कारण बन गई है। लोग देखने आते हैं कारों पे चढ़ करके, साधारण सा केवल कीर्तन है उसको लोग रास कहते हैं, रास हो रहा है। ये शब्द हमने नहीं दिया, अपने आप ब्रजवासियों ने दिया है कि बाबा के यहां रास होता है, और बड़ी श्रद्धा से कारें आती हैं, लोग बाहर के आते हैं। कुछ लोग तो अब भी अभाव रखते हैं, वो यहां रहते थे मानगढ़ में और उनमें भाव नहीं आ सकता ऐसा लगता है, और जगह तो चले जाएंगे, और जगह की कथाओं में चले जाएंगे, और जगह के रास में चले जाएंगे, मानगढ़ में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी ना आने से आने से कोई फर्क नहीं है, ये संकीर्तन यज्ञ बढ़ रहा है, भगवत रस बढ़ रहा है। ये केवल भगवान की कृपा है, न किसी की इसमें प्रशंसा हमारी है न तुम्हारी है। केवल भगवान की कृपा जब होती है तब ये रस बढ़ता है, सत्संग बढ़ता है। यज्ञो वै विष्णु
श्रुतियों में कहा गया यज्ञ भगवान का रूप है और वो भगवान का रूप तो भगवान ही बढ़ाता है। जो नृत्य यज्ञ होता है रात में, नयत्र वैकुंठ कथा सधा सुधा पगा, पांचवें स्कंद में एक श्लोक आता है, शायद 19वें अध्याय में। ये तीन चीज जहां है वहां रहो, हैं 19 का 24 देवता लोग कह रहे हैं, जहां ये तीन चीज नहीं है वहां नहीं रहना, चाहे इंद्र भवन हो, देवलोक हो। देवताओं ने कहा है 19वें अध्याय 5वां स्कंद और 24वां है, ये तीनों चीजें यहां हैं मानगढ़ में। पहली चीज है कथा, नयत्र वैकुंठ कथा महो कथा सुधा पगा, कथा की नदी बह रही है। सवेरे भी कथा होती, दोपहर को भी होती, संध्या को भी होती, लड़कियां करती हैं, रस मंदिर में होती है, कथा की नदी बहती रही है। न साधवो भागवतास्तदाश्रया, जहां भगवत आश्रित साधु नहीं है, किसी आश्रम में एक दो मधुगिरी वाले होते हैं, यहां तो सैकड़ों साधु हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, दिव्य अन्न खाते हैं। सबते भली मधुगिरी, नाना विधि को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ो देश बड़ा राज। किसी गांव में चले जाओ, बड़ो देश बड़ा राज, ब्रज में तो कम से कम ब्रज में इतने साधु किसी आश्रम में नहीं है। कोई साधु मांगता नहीं है, कोई चिट्ठियों के लिए झगड़ता नहीं है, न साधवो भागवतास्तदाश्रया। नहीं तो एक एक कंबल एक एक गाती पर लड़ाई होती है, चिट्ठी पर लड़ाई होती है। तीसरी चीज है, पहली चीज कथा, दूसरी चीज है भगवद आश्रित जनों का समाज, विरक्तों का समाज। जैसा मानगढ़ में है ऐसा कहीं नहीं है। जैसी कथा की गंगा यहां बह रही है, सवेरे दोपहर संध्या रात 24 घंटे गौशाला में चल रही है, कीर्तन वहां चल रहा है, यहां चल रहा है, ऐसा कहीं नहीं, ब्रज में कहीं नहीं है, किसी आश्रम में नहीं है। ब्रज क्या, भारतवर्ष में चले जाओ, मान मंदिर जैसा यहां समाज है, सत्संग है, कहीं नहीं है। तीसरा है नेत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, यज्ञेश भगवान का मख यज्ञ, मख मन यज्ञ, नाम यज्ञ चल रहा है, यहां चारों ओर चल रहा है। इधर चले जाओ गौशाला में चल रहा है, इधर चले जाओ रसकुंज में गहबर में चल रहा है, मानगढ़ में चल रहा है, उत्सव के रूप में चल रहा है। उत्सव क्या है, भगवान ने 11वें स्कंद में कहा है, 11वें अध्याय में संख्या क्या है, मत जन्म कर्म कथनम 36, मेरा जन्म मेरा कर्म
कर्म कथनम, कथनम माने कथा होनी चाहिए। मम पर्वानुमोदनम, हमारे पर्वों को मनाया जाए। राधाष्टमी रंगीली, राधाष्टमी रंगीली पर इतने लोग आते हैं जितने भी गहवर में आने वाले हैं सब प्रसाद पाते हैं। ऐसा कहीं नहीं, न बरसाने न वृंदावन न गोवर्धन। और गीत वादित्र, गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भीर मद गृहोत्सव, उत्सव उसको कहते हैं। जहां गीत गाया जाए, वादित्र वादे बजाए जाए, तांडव मने नृत्य किया जाए। संध्या को यज्ञोत्सव होता है। 200 से अधिक बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लगभग कभी कभी 400 हो जाते हैं। 400 व्यक्ति जहां नृत्य करते हैं। ऐसा ब्रज में क्या, संसार में, और नृत्य होता है, नित्य होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया। गीत वाद, गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भीर मद गृहोत्सव, उसको उत्सव कहते हैं। इसलिए ये तीसरी बात भी हो गई यहां पूरी। मयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदा श्रया नेत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोकोपी न वै ससेव्यतम। इंद्र लोग भी, अगर देवराज इंद्र का भवन भी हो, नहीं है मत रहो वहां, अगर मिल जाए देवराज इंद्र के भवन में तो भी वहां मत रहना। जहां ये तीन चीजें नहीं हैं और तीनों चीजों एक साथ प्रभु ने दया कर दिया। ये डाकों का अड्डा था मान मंदिर, और आज ये इंद्र भवन से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है। अब सब लोग चलो, संक्षेप में यहाँ की हमने बातें सुनाई, अब चलेंगे वहाँ वृंदावन में, देखो क्या होता है। यद्यप हमने मना किया था, सुनीला गए थे हमको परसों या कल, कब गए थे रात में, हमने कहा हमको तुम मत ले जाओ भाई, क्योंकि हमारे नाम से बहुत लोग चिढ़ते हैं कि निंदा करते हैं कि हमें सहायता नहीं मिली कहीं से, साधु समाज रुष्ट है। लेकिन बोले कि एक दिन तो चलना ही पड़ेगा। विशाल मीटिंग 5 को होगी, शुरुआत के दिन तो एक दिन चलिए आप। हमने कहा एक दिन चले चलेंगे, हम चाहते तो नहीं जाना, अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हम, क्योंकि हम साधु निंदक हैं। और हम क्यों जाएं, हमें सभाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। राधा रानी कृपा से, ये उनकी कृपा है कि हम नाम वाम नहीं चाहते हैं। नहीं, हम तो कुत्ते बिल्ली हैं, जीव हैं, ऐशनाओं के भूखे हैं। लेकिन फिर भी एक दिन जाएंगे आज, क्योंकि इनका आग्रह है ब्रजवासियों का, इसलिए जाएंगे। नहीं जाना तुमको नहीं चाहिए। जय श्री राधे। Yeah.